लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के मद्देनजर महाराजगंज जनपद से लगी भारत नेपाल की सीमा 29 मई की शाम 6 बजे सील कर दी गई, जो 1 जून तक 72 घंटे के लिए सील रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनन्या झा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराजगंज जिले की भारत नेपाल सीमा के दो महत्वपूर्ण सोनौली व ठूठी वाली सीमा पर भारत और नेपाल की संयुक्त सेना तैनात की जाएगी, अवरोधक लगाए जाएंगे और गहन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही बुधवार शाम से लेकर शनिवार 1 जून की शाम तक पूरी तरह से बंद रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया इस दौरान सीमा को सिर्फ आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खोला जाएगा। लोगों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए नेपाल से लगी भारत की सीमा पर व्यापार और पारगमन बिंदुओं पर कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। तो आइए, मैं अरुण वर्मा अपने सहयोगी रिपोर्टर कलामुद्दीन के साथ आपको लेकर चल रहे हैं सोनौली व ठूठी वारी भारत नेपाल की सीमा की तरफ और जानते हैं सीमा का हाल। तो बने रहिए बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। आगे से हटिएगा, ये बॉर्डर आज से सील हो गया है। अब ये 1 जून को 6 बजे तक सील रहेगा और जो हमारे और भी रास्ते हैं सब पे बैरियर्स लगे हुए हैं और सब सील हो गए हैं और अब कोई नहीं आ जा सकता है। जिसको नेपाल साइड रहना है वो नेपाल साइड में रहेगा, इंडिया साइड में रहना है इंडिया साइड में रहेगा। इधर हम लोग सब लोग इस पर हाई अलर्ट पे हैं, SSB और पुलिस सब हाई अलर्ट पोजिशन पे हैं और आज से हम लोग एकदम हाई अलर्ट हैं और कार्रवाई करते रहेंगे। कोई इधर से आ भी नहीं सकता है, ना आने देंगे ना जाने देंगे। सर कितने घंटे के लिए? अब ये 72 घंटे पूर्व हुआ है तो वो क्षेत्र है, मतलब कि आपका ये जो है 1 6 2024 को सायं 6 बजे तक रहेगा।